नमस्कार बच्चों, नव भारती स्टडी सर्किल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं प्रभात शर्मा, आज सांख्यिकी के अंतर्गत मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हमने आज से पहले सांख्यिकी के अंतर्गत मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मान, माध्य, माध्यिका और बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और ये तीनों प्रकार के ज्ञात करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें, ये हमने जाना था। आज भी हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के द्वारा आंकड़ों के विसरण को, आंकड़ों के फैलाव को हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये आंकड़ों का व्यवहार, आंकड़ों का नेचर क्या होता है। और जब हम इन डाटास के नेचर को जब ज्ञात कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें ज्यादा सुविधा होती है कि हम सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा मान, माध्य, माध्यिका या बहुलक लगाएं उनके ऊपर ठीक प्रकार से उनकी केंद्रीय प्रवृत्ति को जानने के लिए। आज इस लेसन के अंतर्गत हम दो डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे और उनमें आंकड़ों का फैलाव किस प्रकार का है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम उसमें हम कंप्यूट उसकी आंकड़ों की जो रेंज है, आंकड़ों की रेंज को हम जानने का प्रयास करेंगे। और हम फिर हम लास्ट मतलब क्वार्टाइल रेंज भी, हम इंटर क्वार्टाइल रेंज भी जानेंगे और फिर लास्ट में हम क्वार्टाइल डेविएशन किस प्रकार से निकालते हैं ये भी हम देखेंगे। तो चलिए पहले हम दो डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं और उन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत हम उनके फैलाव को देखते हैं। ये एक पहला उदाहरण लिया हमने क्विज वन। इसमें हमने देखा कुछ स्टूडेंट्स हैं, राम, भरत, सोहन, सील, सीता, गीता, विपाशा। इनके एक क्विज के अंदर आए हुए प्राप्तांक हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 है, फिर 5, 5, 7 और 8। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं तो समझ में आएगा कि किस प्रकार से दूसरी क्विज हुई उन्हीं विद्यार्थियों की और उनके आए हुए प्राप्तांक किस प्रकार से हैं। 4 थे, 9 थे, फिर किसी के 2 आए, फिर किसी के 10 आए, फिर किसी के 3 आए। तो यह देखा हमने सबके अंकों में बहुत बहुत अंतर है, काफी जिगजैग है, ज्यादा ज्यादा जिगजैग है ना इस प्रकार से, और इसमें ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम है। तो आंकड़ों का फैलाव यहाँ देखने से पता लग रहा है हमें क्विज दो के अंतर्गत कि आंकड़ों का फैलाव ज्यादा है और क्विज एक के अंतर्गत देखा हमने आंकड़ों का फैलाव कम है। तो ये हम क्या क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल ज्ञात करके भी हम कर सकते हैं क्या, या इंटर क्वार्टाइल रेंज के द्वारा पता कर सकते हैं कि आंकड़ों का फैलाव कैसा है। आइए हम इनको निकालते हैं और निकालने के बाद इन्हीं क्विज के, इन्हीं के आंकड़ों से हम इनको निकालते हैं। रेंज, किसी भी डाटा की, किसी भी आंकड़ों की रेंज निकालना बहुत ही सरल काम है। कहां से कहां तक के वो आंकड़े हैं हमने सब करते रहते हैं और बहुत इजी है। आप देखेंगे, देखिए एक कुछ आंकड़े हैं ये 10, 2, 5, 6, 7, 3, 4। इसमें देखिए इसके रेंज पूछे आपसे, सीमा पूछे तो कैसे बताएंगे, आप देखेंगे सबसे कम है 2 और सबसे अधिक है 10। तो 2 से लेकर 10 तक रेंज है, 10 में से 2 घटा देंगे तो घटाने के बाद आएगा 8, तो 8 इसकी रेंज कहलाएगी। 10 उच्चतम अंक और न्यूनतम अंक 2, तो हमने घटाया तो आ गया 8। अब हम निकालना सीखते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, इसके लिए हम एक थोड़ा सा डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये आंकड़े हैं इस प्रकार से, ठीक है, हमने रेंज निकाली, रेंज तो आई यहां से लेकर यहां तक की रेंज, ये तो टोटल तो कहलाती थी इसकी रेंज। अब यहां मान लीजिए यहां तो है 25% और यहां आ गया इसका 75%, बिल्कुल बीच बीच का मिडिल, मिडिल 50%, कि यहां से लेकर यहां तक क्या बिल्कुल बीच का मिडिल का 50% हो गया ना, ये टोटल 25 इधर निकल गया, 25 इधर निकल गया और 25 इधर निकल गया, तो बीच में 20 बिल्कुल सेंटर का मिडिल, तो 50% की जो रेंज है, ये जो रेंज कहलाती है, ये कहलाती है इंटर क्वार्टाइल रेंज, यहां से लेकर यहां। कैसे निकालते हैं आइए हम इसको देखते हैं। IQR निकालने के लिए आप 75 परसेंटाइल Q3 निकाल लें, फिर 25th परसेंटाइल Q1 निकाल लें और Q3 में से Q1 को माइनस कर दें तो आप इस प्रकार से IQR निकाल सकते हैं। ध्यान देना परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल हम इसको भी सीखेंगे आगे, 25th परसेंटाइल, ये 75th परसेंटाइल Q3 कहलाती है और ये Q1 कहलाती है। इसे हम 4 भागों में बांट लें यदि, तो ये यहाँ तो 0 है, यहाँ Q1, ये Q2, ये Q3
और ये लास्ट है ना। तो ये क्यू क्यू एन चौथा हिस्सा, क्यू टू बिल्कुल बीच का हिस्सा, क्यू थ्री 75th, तीन चौथा हिस्सा और ये लास्ट। ये जो बीच का हिस्सा है Q2 याद आया आप लोगों को कुछ, ये मीडियन है माध्य का, ठीक है। ये आगे हम और समझेंगे जब और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम, वही वाला एग्जांपल क्विज वन और क्विज टू वाला। देखिए यहां पर हमने क्विज वन में जो भी हमने लिए थे ये उन सातों बच्चों स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और क्विज टू के मार्क्स, इन्हें रैंक में जमा दिया है, सबसे छोटा सबसे ऊपर, उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इनको एक तरह से सीक्वेंस में इन्हें बढ़ते हुए एसेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। इसी प्रकार क्विज टू में आए हुए मार्क्स को भी एसेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया, हमने बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया। तो पहला काम तो हम ये करेंगे बढ़ते हुए क्रम में इन्हें जमा देंगे, उसके पश्चात बिल्कुल सेंटर वाला, हमें आगे सूत्र के सहायता से निकालने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सेंटर वाला बिल्कुल बीच में जो है वो 50th परसेंटाइल है जो Q2 है, और ये 25th परसेंटाइल है Q1, और ये 75th परसेंटाइल है Q3, ये Q3 है एक्चुअली Q3 है ना। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं हम, ये Q3 है, ठीक है। तो IQR निकालने के लिए क्या करना है, 75th में से 25th को माइनस करना है। तो आप करेंगे तो Q37 जो ये आया है आपका पहला क्विज वन के अंदर, क्विज वन देख रहे हैं तो Q37 आया, ठीक है। ये सेवन ले लिया, ये इसका 25th मतलब Q1 आया इसका 5, ठीक है। तो ये रहा 5, तो इसका जो इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR जो आएगा वो आएगा 7-5 अर्थात 2, ठीक है। इसी प्रकार क्विज टू के अंदर निकालेंगे तो क्विज टू में आपका जो Q3 है 75th परसेंटाइल है Q3 वो तो है आपका 10, और जो 25th है Q1 ये Q3 था वो है आपका 3। देखिए ये रहा, ये 21 ये 3 है और ये आपका 10 है, तो 10 में से 3 गया तो आपका 7 आ गया। ये दूसरे का आपका इंटर क्वार्टाइल जो रेंज है वो आई आपकी 7, इसकी 2 आई, इसकी 7 आई। जिसकी ज्यादा आई उसमें आंकड़ों का फैलाव ज्यादा था, जिसमें कम आई उसमें आंकड़ों का फैलाव कम था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालकर भी हम आंकड़ों के फैलाव की तुलना कर सकते हैं। अब क्वार्टाइल डेविएशन किस प्रकार से निकालते हैं, इंटर क्वार्टाइल जो रेंज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है इसमें जो 2 का भाग दे दें हम तो आपका ये क्वार्टाइल डेविएशन आ जाता है। तो बहुत सिंपल है, जो भी है उसमें आपने 2 का भाग दिया, पहले वाले क्विज के लिए जो आया था आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज 2 थी, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आ गया, दूसरे वाले के लिए भी 7 था उसमें 2 का भाग दिया तो 3.5 आ गया। जिसका मान ज्यादा उसमें आंकड़ों का फैलाव ज्यादा, जिसका मान कम उसमें आंकड़ों का फैलाव कम, इस प्रकार से हम क्वार्टाइल डेविएशन से भी निकाल सकते हैं। ये तो थे हमारे सिंपल आंकड़े हो, तो यदि वर्ग अंतराल के रूप में आंकड़े हो तो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। यदि वर्ग अंतराल के रूप में आंकड़े हैं इस प्रकार से, आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 10 से 20 के बीच जो आंकड़े हैं वो 2 स्टूडेंट के आए हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, ठीक है, और ये इनके वर्ग अंतराल हैं क्लास इंटरवेल, ठीक है। 20 से 10 30 के बीच में 5 विद्यार्थियों के आए हैं अंक, 30 से 40 के बीच में 12 विद्यार्थियों के अंक हैं, इसी प्रकार से चलते जाएंगे तो 80 से 90 के बीच में जो अंक लाने वाला था वो एक ही विद्यार्थी था, ऐसे आंकड़े दिए हुए हैं। और आपसे कहा गया है कि इसका क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालिए, ठीक है। तो निकालते हैं, सबसे पहला काम आपको करना है इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, संचयी बारंबारता, सांतत्य बारंबारता या संचयी बारंबारता, ये निकालनी है आपको, ठीक है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं,
फ्रीक्वेंसी को लिख लेते हैं पहले वाले को, दूसरे वाले को इसमें जोड़ते हैं और फिर लिख देते हैं, दो में पांच जोड़ेंगे तो सात, फिर सात में बारह जोड़ेंगे, इस प्रकार सात में बारह जोड़ी उन्नीस, उन्नीस में फिर सत्रह जोड़ी, सत्रह ये रही है ना छत्तीस आ गई, छत्तीस में फिर चौदह जोड़ी ये वाली, ये चौदह, फिर आपकी पचास आ गई, पचास में ये जोड़ी छः, तो आपकी इस प्रकार से जोड़ते जाएंगे हम, और लास्ट में ये उनसठ में एक जोड़ी तो साठ आ गई, मतलब इसमें इसको जोड़ो और फिर लिख दो, फिर जो आए उसमें इसको जोड़ो और फिर लिख दो, फिर जो आए उसमें इसको जोड़ो फिर लिख दो, ऐसे इस प्रकार से करते जाएंगे। ठीक है, फार्मूला हमें पता है, ये जो आपके क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का फार्मूला हमें पता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी ऐसी को बोल सकेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, मीडियन निकालने का फार्मूला हमें पता था, हम Q2 निकालते थे ना, बस लगभग वैसे ही फार्मूला है इसका भी, Q1 निकालने का, ये रहा फार्मूला। ठीक है, Q1 निकालने के लिए L प्लस H अपॉन F ब्रैकेट में N अपॉन 4 माइनस C। अब ये L क्या, H क्या, F क्या, ये देखना। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है जो Q1 का वर्ग कौन सा है, उसे निकालने के लिए हमें N अपॉन 4 निकालना पड़ेगा। चौथा ही निकाल रहे हैं ना, माध्यिका में दो निकालते हैं N बटे दो, माध्यिका निकालने के लिए तो N अपॉन 2 निकालते हैं ना, माध्यिका के लिए उस वाला वर्ग निकालते हैं, ये तो माध्यिका के लिए निकालते हैं, और आप Q1 के लिए निकालना चाहेंगे तो हमें N अपॉन 4 निकालना पड़ेगा। तो N कितना है, टोटल कितना आया था 60, फ्रीक्वेंसी का टोटल 60 है, तो 60 में 4 का भाग देंगे तो आएंगे 15, 15 से ठीक बड़ी सांतत्य बारंबारता या संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ठीक बड़ी, तो 15 से ठीक बड़ी कौन सी है, 19 है ये रही। तो ये वाला वर्ग आपका Q1 वर्ग कहलाएगा, Q1 वर्ग। ठीक है, इसके अंदर ही Q1 मिलेगा आपको। तो L क्या है, L इसके निम्न सीमा, ये रही L, 30 है H की निम्न सीमा। फिर H क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल H तो 10 ही है सबका, H तो 10 है, 10 का अंतर है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से, तो 10 है इसका क्लास इंटरवल। और अब इसके बाद में आता है F, F है ये रही फ्रीक्वेंसी बारंबारता, N अपॉन 4 हमने निकाली लिया 15, C, C आता है संचय बारंबारता, जो जो वर्ग है उसके पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, दिस ये है C। ठीक है, तो अब हम इसको निकाल सकते हैं, निकालने के लिए फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, 30 प्लस 10 बटे 12 ब्रैकेट 15 माइनस 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा आपके 30, ये कट जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे, 30 गुणा 30 प्लस 10 बटे 12 गुणा 8, ये कटेंगे दोनों, 4 दुनिया 8, 4 तीन 12, तो आपके अंक इस प्रकार से ये सॉल्व करेंगे 20/3, तो आपके इस प्रकार से आ जाएंगे ये 36.6, ये आपके आ गया Q1, ये आपका है Q1। अब हम निकालते हैं Q3, Q3 निकालने के लिए वही हम फॉर्मूला, उसी प्रकार से यहां पे देखिए, Q3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, वहां Q1 के लिए n अपॉन 4 किया था, तो Q3 के लिए हम करेंगे 3n अपॉन 4, तीन चौथाई, तो 3n अपॉन 4 करेंगे तो 3n तो है 60, 3 गुणा 60/4 जो कि आएगा 45, तो 45 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता ये रही 50, तो ये वाला वर्ग होगा आपका Q3 वर्ग। इसकी न्यूनतम सीमा 50, इसकी बारंबारता 14, और इसके ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचय बारंबारता C 36, तो इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 10/14 ब्रैकेट के अंदर आएगा 45 माइनस 36। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 50, 50 प्लस 10/14 गुणा 9, अर्थात सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 50 प्लस 45/7
और ये और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 56.28। ये आपका आ गया Q3। आपको तो निकालना था QD। QD क्या है? QD ये है QD Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो Q3 कितना? 56.28। Q1 कितना? 36.6 बटे 2। इसमें से इसे घटाया तो घटाने के बाद में कितना आएगा? 19.68 बटे 2। भाग दिया, भाग देने पर आया 9.84। ये आपका आ गया क्वार्टाइल डेविएशन, आपका आंसर। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपके समझ में आया होगा, इसकी आप एक्सरसाइज कीजिए, इसके प्रश्न उत्तर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछिए।